अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जोली LLB 3 जिसकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिल्म विवादों में फंस गई है, क्योंकि जोली LLB 3 फिल्म के खिलाफ अजमेर अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस शिकायत में लिखा है कि जोली LLB 3 फिल्म हमारे कानून के नियमों की गरिमा को कम करने की कोशिश कर रही है और ये शिकायत जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्र भान की तरफ से दर्ज कराई गई है और मंगलवार को अजमेर कोर्ट के अंदर इस फिल्म पर सुनवाई होगी और तब तक जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है, क्योंकि अजमेर जिला बार के एसोसिएशन के सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की अदालत में बॉलीवुड फिल्म जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग को रोकने पर अर्जी लगाई है और इसी के साथ साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डायरेक्टर एक्टर और प्रोड्यूसरों पर वकीलों और जजों का मजाक उड़ाने के ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायतकर्ता चाहते हैं कि मेकर्स इस फिल्म को बनाना बंद करें और इसके लिए उन्होंने कोर्ट से नोटिस जारी करवाने का अनुरोध भी किया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रवान सिंह राठौड़ ने बताया है कि उन्होंने जोली LLB फिल्म के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखकर ये फैसला लिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर के समेत इस फिल्म के अंदर काम करने वाले अन्य कलाकार देश के संविधान के प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। और चंद्रवान सिंह राठौड़ ने यह भी बताया है कि अभी अजमेर के DRM ऑफिस के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र और गांव में जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसकी शूटिंग और आगे काफी दिनों तक चलने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी इस फिल्म के डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म की शूटिंग में वकीलों जजों और न्यायपालिका की गरिमा प्रतिष्ठा को लेकर जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। और चंद्रमान सिंह राठौड़ ने कहा है कि अभिनेता समाज के लिए आइडल होते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम को समाज जो करते हो स्वीकार करता है, यहाँ तक कि फिल्मों के किरदार को देखकर हमारा समाज अपने विचारों को उनके जरिए बदलने लगता है और इस शूटिंग के दौरान जिस तरीके से वकीलों और जजों को दिखाया जा रहा है ऐसा हमें कभी भी रियल में देखने को नहीं मिलता है और ये इस तरह की शूटिंग से वकीलों और जजों की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग में वकीलों को लात मारना, वकीलों के पीछे लकड़ी लेकर दौड़ना, जज का गुटखा खाना और पैसों के लेन देन को इस फिल्म के अंदर फिल्माया जा रहा है और इन्हीं सभी दृश्यों से जजों, वकीलों और न्यायपालिका की गरिमा को, प्रतिष्ठा को ये लोग मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वकील होने के नाते बड़े से बड़े अपराधी को या गवाह को अदालत में जज के सामने पेश करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे जज और हमारे न्यायालय की गरिमा बनी रहती है और मेरी शिकायत के द्वारा फिल्म के मेकर्स को ये समझाया जाए कि वो इस फिल्म की शूटिंग में बहुत सारी बातों का ध्यान रखे और वो ऐसे सीन को बिल्कुल बंद कर दे और इसी के साथ साथ इस फिल्म के मेकर्स पर पाबंदी भी लगाई जाए कि वो इस तरह के सीन को फिल्म में दिखाने के लिए शूटिंग ना करे। और अब देखना होगा कि जोली LLB 3 फिल्म के इस केस के ऊपर क्या सुनवाई होती है, क्योंकि ये फिल्म कुछ इसी तरह की स्टोरी को हमारे सामने रखने वाली है जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी अहम भूमिका में नजर आने वाले जो वकीलों के किरदार को निभाने वाले हैं और इस फिल्म में हमें कोर्ट, जज और वकीलों की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो क्या मेकर्स इसके अंदर बदलाव करते हैं या फिर नहीं, ये हमें आगे आने वाली अपडेट के अंदर पता चल जाएगा। तो क्या आपको जोली LLB 3 फिल्म के डायरेक्टर, मेकर्स और प्रोड्यूसर के द्वारा फिल्माए गए इन सभी सीन पर आपत्ति है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वार जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वार अरशद